हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ चिन्मयी। सो कैसे हो आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आज ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सैंडविच। तो नॉर्मल सा एज़ यूजल मैं जैसे बनाती हूँ सैंडविच, आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट मैंने बनाया है। एंड दो स्लाइस मैंने ब्रेड ले लिया है, एक साइड में मैंने लगाया है मेयोनीज एंड दूसरी साइड में मैंने लगाया है टमाटो सॉस। एंड पहले से मैं पत्ता गोभी एंड ऑनियन को थोड़ा सा सेमी रोस्ट कर दिया था, थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट के साथ मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया था, बस उसको मैं स्टफिंग दूंगी। और ऊपर से कच्चा जो शिमला मिर्ची है वो वाला ऐड करूंगी, बहुत ही हेल्दी है। और ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूंगी और सॉल्ट ऐड करूंगी, क्योंकि और अगर आपके पास ऑरिगानो हो तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हो। अभी मेरे पास ऑरिगानो ख़त्म हो गया है, तो बस मैं इसको थोड़ा सा बटर लगा के सेक लूँगी तवा में, बस ये बन के हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो जाएगा। और ये रहा गाइस इवनिंग का टाइम, और मैं बिल्कुल भी लंच के टाइम में बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, और दिन भर थोड़ा सा बिजी थी, और मेरी तबीयत भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा सा सर्दी वगैरह हो गया है, बस 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे मैं शाम के लिए जो डिनर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ, और आज एक करी सिंपल सा ही बनाऊँगी बस। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद के रख देती हूँ, और मैंने एग को बॉईल करने के लिए बिठा दिया है। उसके बाद मैं मेरी बड़ी बेटी को थोड़ी सी फ्रूट्स काट के दे दूंगी, उसके बाद मैं जो एग करी है वो बनाना स्टार्ट करूंगी। और शाम को मैं कोशिश करती हूँ कि डिनर जल्दी फटाफट बना लूँ, ताकि डिनर ख़त्म होने के बाद मैं बड़ी बेटी के साथ थोड़ी सी टाइम स्पेंड करूँ, मतलब उसको थोड़ा सा पढ़ाई के लिए थोड़ा सा एनकरेज करूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग घर के काम में जब बिजी रहते हैं ना, बच्चे लोग अपने आप खेलते रहते हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जो भी ट्यूशन में पढ़ाते हैं वही बस मैं रिपीट करती हूँ उसको, और कुछ कुछ GK वगैरह मैं ऐसे पूछती रहती हूँ ताकि उसका माइंड ना थोड़ा सा एक्टिव हो। और थोड़ा सा लिखने का भी प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे लोग जब घर में रहते हैं ना, तो उनका जो राइटिंग स्किल होता है वो एकदम से स्लो हो जाता है, जो कि कर्सिव हैंड राइटिंग वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टैंडर्ड 1 बच्चे के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ्रूट्स के साथ उसको काजू एंड किशमिश भी थोड़ा सा दे दूंगी खाने के लिए। जब तक मेरा खाना बन के रेडी हो जाएगा तब तक उसका खाना भी फिनिश हो जाएगा, तो मैं थोड़ी सी पढ़ाई के लिए उसको बैठूंगी। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, तो मैं फटाफट एक करी बना लेती हूँ। और जब मैंने ऑनियन कट करके रखा था उसको चॉपर में एकदम से बारी बारी मैं चॉप कर लूँगी, और टमाटर को भी चॉप कर लूँगी, ताकि ना अगर आप ऑनियन एंड टमाटर को चॉप करके डालेंगे तो करी थोड़ा सा थिक बनेगी, तो अच्छा लगेगा, ग्रेवी भी अच्छा लगेगा। तो पहले मैंने थोड़ी सी ऑयल लेके अंडे को थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर ऐड करके सेमी फ्राई करके निकाल दिया है। बस उसके बाद जैसे नॉर्मल इंडियन करी बनता है वैसे ही मैंने एक करी बनाऊंगी। बस ये जो मसाला भुनने के बाद मैं एक कच्चा अंडा उसमें ऐड करूंगी, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अंडा करी में। और उसके बाद मैंने बेसन को पहले से भून के रखी थी, तो वो वाला ऐड कर रही हूँ ताकि करी थोड़ा सा थिक बने तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दी, उसके बाद में थोड़ी सी मैंने रेड चिली कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड की थी, तो देखिए बहुत अच्छा
कलर आया है। और यहाँ पे मैं हमारा गर्मा गर्म रोटी भी बन के रेडी हो गया था। मैं एक्चुअली रोटी ना हटकेस में रखना पसंद नहीं करती हूँ। हटकेस में रखोगे ना तो एकदम से मतलब रोटी जैसे स्मेल करने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ऐसे स्टील के बर्तन में ही रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और हम लोग का तो डिनर हो गया था। तो डिनर करने के बाद मेरा जो एज यूजल काम रहता है किचन क्लीनिंग, वही मैं कर रही हूँ। और ये सारी किचन क्लीनिंग होने के बाद हस्बैंड कुछ ऑनियंस वगैरह भी लेके आए थे, ऑनियंस गार्लिक वगैरह, तो वो मुझे समेट के रखना है। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटू सा ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन स्टे हैप्पी, गुड बाय।